अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। देखिए कितने खूबसूरत बादल हैं और कितना खूबसूरत ग्रीन खूबसूरत मंज़र। और हम लोग रोड पे रवान दुआ हैं। हम लोग जा रहे हैं जी इस्लामाबाद, मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी वहाँ पर और फिर हम लोग भी साथ चले गए क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ थी उस टाइम पर। ये पुरानी वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये रास्ते का मंज़र है। फिर ये हमने स्टे किया और ये एक पार्क सा बना हुआ था साय आलमगीर के पास, बड़ा अच्छी जगह है ये। तो कभी आप लोग उस रोड से गुजरें तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बच्चे बड़ा इंजॉय करेंगे। ये मेरा ख़्याल है मेट्रो सिटी वालों ने बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने उस एरिया के हिसाब से दी बेस्ट एंटरटेनमेंट फॉर द किड्स एज़ वेल एज़ फॉर द फैमिलीज। तो ज़रूर इस जगह को इंजॉय करें, वहाँ पर जाएँ और देखें कि कितना अच्छा उन्होंने सारा क्रिएट किया हुआ है एक एटमॉस्फियर। तो मज़ा आया था, बड़ा अच्छा लगा देख के कि कितना स्टैंडर्डाइज्ड एक प्लेस है जहाँ पर विज़िट किया जा सकता है। और आपकी ट्रैवलिंग बहुत मज़े की हो जाती है जब रास्ते में कुछ ऐसी प्लेसेस आप विज़िट कर लें और थोड़ी थकावट भी कम हो जाती है। तो ये सारा मैं आपको मंज़र दिखा रही हूँ सामने। इधर ना सारे फूड चेन्स थी, टिमिस भी था, सेकंड कप और इस तरह की और दो तीन, फिर बच्चों की प्ले प्लेस बनी हुई थी, फिर स्विंग्स ये पीछे आपको नज़र आ रही हैं काफ़ी सारी लगी हुई थी। तो खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था और फिर ग्रीनरी और मेंटेनेंस और लाइट्स हर चीज़ इस जगह को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। तो ये स्क्रीन बड़ी सी लगी हुई थी, उसमें जो है डिफरेंट सीनिक व्यूज़ दिखाए जा रहे थे। और फिर पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ना वो प्ले प्लेस है, जो येलो रंग की लाइटिंग आपको नज़र आ रही। और इसी के साथ ये सामने छोटा सा पार्क सा बना हुआ था, अभी इधर जब शाम हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये टिमिस का सेटअप है, बड़ा अच्छा उस जगह के लिहाज से सेटअप बना हुआ था और खाना भी इनका बहुत अच्छा था। हम लोगों ने थोड़ी ब्रेक लेने के लिए यहाँ पर रुके थे हम लोग और नमाज वगैरह पढ़ी और थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर हमने दोबारा से अपनी ट्रैवल टूवर्ड्स इस्लामाबाद स्टार्ट कर दिया। इस्लामाबाद हमारा अचानक ही प्रोग्राम बना और जो अचानक प्रोग्राम होते हैं समटाइम्स वो बड़े मज़े के होते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है जी। इंटरनल जो है ना उनकी सिटिंग प्लेस है टीम्स वालों की, तो ये भी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि कितना अच्छा साफ़ सुथरा सी जगह थी, अच्छा लगा मज़ा आया। तो आप लोग कभी जीटी रोड के थ्रू अगर जा रहे हों इस्लामाबाद तो रास्ते में ये आएगा साय आलमगीर के पास, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोग जब फैमिली के साथ होते हैं तो मोस्टली कोशिश करते हैं कि जीटी रोड से जाएं क्योंकि ज़रा रौनक होती है और आप लोग ज़रा सेफली पहुंच जाते हैं। मोटरवे जो है वो उसमें सिर्फ ये एक प्रॉब्लम आती है कि रास्ते में जो है ना इतनी ज़्यादा स्टे प्लेसेस नहीं होती और जो फिक्स्ड एरियाज़ हैं, जो आपके रेस्ट एरियाज़ हैं वो फिक्स हैं, उसने एक ख़ास इंटरवल के बाद ही आना है। तो बच्चों के साथ ट्रैवल करते हुए सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। देखिए कितनी खूबसूरत लाइट्स और कितना खूबसूरत मंज़र ये लग रहा है सारा, ये माहौल को लाइटें कितना खूबसूरत बना देती हैं, रोशनी ना ज़िंदगी में जान डाल देती है। तो ये प्यारे प्यारे फ्लावर्स रोशनी से कितने प्यारे लग रहे हैं, लाइट्स ने इनको और भी खूबसूरत कर दिया, जगमगा रही है हर चीज़, खूबसूरत सा मंज़र बन गया। तो जी अब हम लोगों ने यहाँ पे लेट्स पार्टी स्टार्ट कर दी थी और जो हमने ऑर्डर किया था वो भी आने वाला था। बच्चों को थोड़ी भूख भी लगी हुई थी क्योंकि बच्चों को ना इस तरह का जो जंक फूड होता है फास्ट फूड, जब मर्ज़ी खिला लें उनकी जो भूख है ना वो जाग उठती, तो जंक फूड के लिए तो ऑल द टाइम दे आर रेडी टू ईट। और जब आप खाना कहें घर का खाना ख़ास तौर पे, तो फिर इन्हें प्रॉब्लम होता है जी। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है सामने, वो स्विंग्स हैं और इसको मेरा मैरी गो राउंड कहते हैं जो घूम रही है, और इसके साथ और बहुत सारी स्विंग्स थी। तो वो स्विंग्स वगैरह तो बच्चों ने नहीं ली, बस हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा वगैरह खाया अपना, थोड़ा सा रेस्ट किया, नमाज पढ़ी, रिलैक्स किया। पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल लाहौर वाला जायका था उसका और बड़ा उन्होंने फौरन जो है ना फ्रेश
सारी चीज़ें थी और अर्जेंट उन्होंने जैसे कि 15 मिनट में ऑर्डर हमारा रेडी हो गया, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो ये दो पिज़्ज़ा हमने मंगवाए थे और बड़ा मज़े के थे ये दोनों फ्रेश। अच्छा जी, अब भी आपको मैं निकलते वक्त जब हम लोग बाहर आ रहे थे तो मैंने कहा एक ओवरऑल व्यू आपको फिर से करवा दूँ इस प्लेस का। तो ये मेट्रो सिटी वालों की मेरा ख्याल है प्ले प्लेस टाइप उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर सारी फूड चेन है। अब ये रात हो गई थी तो कितना अच्छा ये लग रहा है देखिए मंजर। हाँ जी, अब ये सारा सीन है लाइट्स की वजह से और ज़्यादा खूबसूरत इसमें एक आ गया इम्प्रेशन और ये टोटल इस एरिया की लुक है। और जो नज़दीक रहते हैं लोग वो तो मेरा ख्याल है इसको ऑफन ही विज़िट करते होंगे। और ये हम लोग बाहर आ रहे हैं तो मैंने कहा बाहर से भी आपको एक इसका ओवरऑल व्यू करा दूँ। ये फाउंटेन है और ये साथ में बड़ी अच्छी उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, डिफरेंट चीज़ें उधर लगाई हुई थी। तो जब इस्लामाबाद हम पहुँचेंगे ना तो मैं पहुँच कर आपको बताऊँगी कि हमने कहाँ स्टे किया और वहाँ पर फिर क्या इंजॉयमेंट की। उसके बाद हम भूरबन गए थे एक दिन के लिए और फिर एक दिन मैं अपने ससुराल में ठहरी थी। तो भूरबन इतनी दफ़ा जा चुके हैं कि अब आप लोग बोर हो गए होंगे, मैंने भूरबन की कोई वीडियो नहीं बनाई। और दूसरा ये कि उधर हमारा स्टे बड़ा शॉर्ट था क्योंकि छुट्टियाँ थी और रहाइश का कोई जैसा हम चाह रहे थे ना अरेंजमेंट वो नहीं हो रहा था। तो फिर हमने यही बेहतर समझा कि हम यहाँ स्टे ना करें। तो हम लोग वापस आ गए, हमने गोल्फ़ चिनार गोल्फ क्लब में बस डे स्पेंड किया और फिर हम वापस आ गए जी। अब फिर से इस्लामाबाद की तरफ सफ़र शुरू हो गया। गाड़ी का जो स्क्रीन है ना वो थोड़ी गंदी हुई हुई है। अब हम नियरेस्ट हैं अपनी स्टे प्लेस के और ये इस्लामाबाद हम पहुंच चुके हैं। तो जब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने कहां पर स्टे किया था, इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। बारिशों की वजह से हर चीज़ नीट क्लीन धुली धुलाई, दरख्त खूबसूरत और ये देखें ना कितनी प्यारी डेकोरेशन है सारी। और ये जो इस्लामाबाद की वाइब है वो वैसे ही बड़ी डिफरेंट होती है जैसे लाहौर की वाइब है ना। लाहौर की वाइब में बड़ी जान है, जिंदा दिली है, शोर शराबा, रौनक, और इस्लामाबाद पुरसकून काम एंड रिलैक्सिंग एक प्लेस है। तो ये देखें अब जश्न आज़ादी की भी रौनकें थी, सारी रोड इर्द गिर्द से डेकोरेट हुई हुई थी क्योंकि विंड स्क्रीन इतनी साफ़ नहीं है तो वो सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो 14 अगस्त से हम पहले गए थे दो दिन, तो ये तब की वीडियो है। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद और अब अपनी रेजिडेंट प्लेस की तरफ जा रहे हैं। कहाँ स्टे किया और फर्दर हमने क्या किया, क्या हमारे वहाँ पर जाकर एक्टिविटीज़ की, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। और इस वीडियो को एंजॉय करिएगा और वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो व्यू को आप भी हमारे साथ एंजॉय करें, यही समझें कि आप भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। वीडियोस इसीलिए डाली जाती हैं कि थोड़ी देर के लिए जो आप जिस मूड में होते हैं आप उस मूड से निकल आते हैं। यकसानियत का इंसान शिकार होता है तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है एक डिफरेंट चीज़ देख के, और कुछ भी नहीं, बाकी सब लोग अपने हद तक इंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मोनास चैनल। अल्लाह हाफिज़।